कहते हैं हमारा सिक्स सेंस हमें अक्सर इशारा दे देता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। लग रहा था जैसे एक लंबे तनाव के बाद जिंदगी को सुकून मिलने वाला था, लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ वक्त का था, आगे ये खुशियां दफन होने वाली थी। लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज कोई मुझसे छीन रहा था। गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। हम उन्हें खोने से डरते हैं जिनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कल्पना भी कहाँ कर पाते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। आपको अपना प्रॉमिस याद है ना, मेरी एब्सेंस में नो स्मोकिंग। तुम भी अपना ध्यान रखना, आजकल गर्ल्स हॉस्टल भी सेफ नहीं है। आई नो बट डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मैडम कैसी रही तुम्हारी डेट अपने हस्बैंड के साथ? मम्मा अब मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ ना? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लता, चीटिंग नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं। क्या मम्मी, ऐसे भी कोई आंखें बंद करा के बर्थडे गिफ्ट देता है क्या? बिल्कुल देता है, क्योंकि तूने भी मेरे बर्थडे पार्टी पे मेरी आंख बंद करवाई थी, तो जैसे को तैसा अब आके खोल सकती है। टन टन। वाओ मम्मा, थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, मैं आती हूँ एक मिनट, ठीक है? हैप्पी बर्थडे लता, मैं आज जयपुर आ रहा हूँ। शाम 5 बजे रॉयल कैफे मिलने आ सकती हो? स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, प्लीज मना मत करना। अरे मेरा गुड्डा बेटा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन तू इतनी जल्दी रेडी क्यों हो गई? हाँ मम्मा एक अर्जेंट काम आ गया है, 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी और फिर हम डिनर पे चलेंगे। लेकिन ये तो बता जा कहाँ रही है? मम्मा मैं आके बताती हूँ ना। अरे सुन सुन सुन। क्या मम्मा? ठीक के जाना है क्या? छाता लेके जा। थैंक यू मम्मा। रेडियो जा, वो घर से निकल गई है। सर ये मेरी बेटी लता है, करीबन घर से 4 बजे ये कहकर निकली कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटी सर, और इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। कहाँ जाने का बोल के गई? सर मैंने पूछा लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। सर आज उसका बर्थडे है, प्लीज उसका पता लगाइए सर। आज आपकी बेटी का बर्थडे है? जी सर। तो हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चली गई हो? नहीं सर, उसने अपने फ्रेंड्स को तो ट्रीट दिन में ही दे दी थी, और मैंने पता किया वो अपने किसी फ्रेंड के पास नहीं गई। इनफैक्ट हम दोनों आज डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सर। अच्छा लता के फ्रेंड सर्कल में उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है? नहीं सर, मेरी बेटी तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप हमें लता का मोबाइल नंबर, उसके कॉलेज और सभी फ्रेंड्स की डिटेल्स दीजिए। मनीष लता की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो। लता की आप बीती से अनजान पुलिस तुरंत लता का पता लगाने में जुट गई। लता के सभी दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन लता का कोई क्लू नहीं मिला, और जल्द ही उसके कॉल रिकॉर्ड सामने आए।
एक नंबर ले 10865-36365, पता करके बता ये मोबाइल नंबर किसका है। सर ये लता के कॉल रिकॉर्ड। सर इस रिकॉर्ड के मुताबिक लता के फोन पे लास्ट कॉल किसी साहिल जेदी के नंबर से आया था। तब लता का फोन उसके घरवाले एरिया में ही एक्टिव था और इस कॉल के 5 मिनट बाद लता का फोन उसके घर के पास के एरिया में कहीं बंद हुआ। ये साहिल जैदी कौन है, लता की माँ से पता किया? सर ये साहिल है, लेकिन लता की माँ किसी भी साहिल को नहीं जानती और साहिल का नंबर अलवर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर इसकी लता से काफी बातें होती थी। कल जब साहिल ने लता को फोन किया तब इसका फोन जयपुर में एक्टिव था। सर हो सकता है कि ये साहिल लता का लवर हो और लता कल इससे मिलने वाली हो। हेलो, तेरे तो लता की डेड बॉडी है। सर पूरी बॉडी न्यूट थी, शायद मर्डर के पहले रेप हुआ होगा। आसपास के एरियाज में सर्च करो। सर सर शायद गला रहता गया, इतनी दूर जंगल में बॉडी को किसी गाड़ी से डंप किया गया होगा। आसपास के एरियाज में पता करो, शायद किसी ने कुछ विटनेस किया हो। और मनीष लता की माँ को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। सर मैं मानता हूँ लता मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कल उससे मिलने जयपुर आया था लेकिन वो मुझसे मिलने आई नहीं। तू अलवर में रहता है और लता जयपुर की थी, तुम दोनों की दोस्ती हुई कैसे? सर मैं यहाँ जयपुर से बीटेक कर रहा था, यही मेरी दोस्ती लता से हुई। लेकिन लता की माँ तो तुझे जानती तक नहीं है। हमारे धर्म अलग अलग है इसलिए लता अपने घर पर कुछ बता नहीं पाई। सर उस दिन जब वो मुझसे मिलने नहीं आई तो मैंने सोचा मैं उसके घर चला जाऊँ, लेकिन इसी वजह से नहीं जा पाया। सर देख साहिल, अगर कुछ भी झूठ बोल रहा है तो बता दे, वरना बाद में बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तो खुद ये सब सुन के शॉक्ड हूँ। मुझे तो लग रहा है ये सारा काम उसी का है जो इतने दिनों से लता का पीछा कर रहा था। कौन पीछा कर रहा था? आई डोंट नो साहिल, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे स्टॉक करता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई वहम हो रहा। सर हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। देख साहिल, कहानी मत बना, जो किया है वो सच सच बोल। सर मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, सर मैं लता के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। आई लव हर सर। लता ने अपनी माँ को साहिल के बारे में नहीं बताया था, हो सकता है वो साहिल से अपने रिलेशन को कंटिन्यू ना करना चाहती और इसने इसी बात का बदला लिया हो। मनीष, लता का फोन बंद हुआ था वैशाली में और उसकी बॉडी को डंप किया गया मकराना में। इन दोनों एरियाज को अच्छे से स्कैन करो और इस साहिल की भी पूरी हिस्ट्री निकालो। विक्रम जी, मैं ये कह रही थी कि एग्जाम को बस 2 ही महीना बाकी है, बहुत डर लग रहा है। छवि टेंशन मत लो, पास हो गई तो टीचर और फेल हो गई तो भी टीचर। फेल हुई तो कैसे टीचर? हस्बैंड के लिए बीवी से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। और तुम पिछले 1 साल से मेरी टीचर बनी हुई हो। स्मोकिंग मत करना, टाइम पे खाना खाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा अब आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती? छवि मैं जानता हूँ तुम मेरी केयर करती हो,
अब जल्दी से एग्जाम क्लियर करो और घर आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। बस अब दो ही तो महीने बाकी है। अच्छा आप इस वीकेंड में आ रहे हैं ना? इस वीकेंड पे आना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत काम है, फिर भी ट्राई करता हूँ। ओके सी यू, बाय। कहाँ गई थी? और ऐसे नाइट ड्रेस में बाहर जाके क्यों किसी को मौका देती हो? किसी ने उठा लिया तो? तेरा ना न्यूज़ देख-देख के दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं खराब हुआ है, दिमाग में तो कुछ तुम्हारे चल रहा है। हॉस्टल में एकदम क्लियर सिग्नल आता है। सच सच बताओ छवि, बाहर क्यों आई थी? ओह, तो तुझे लग रहा है कि मैं तेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ? मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, और वैभव क्योंकि तेरा फ्रेंड है इसलिए मैं भी उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ। लेकिन अब तो वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा ना, और तुम पे शक करने का और एक रीजन है कि तुम्हारा पति तुमसे 10 साल बड़ा है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मियां बीवी में फर्क होता है ना, तो एक ना एक दिन जरूर फर्क पड़ता है। ये मेड फॉर ईच अदर की थ्योरी ना रियल लाइफ में हमेशा कामयाब नहीं होती छवि। और तुम पे शक करने का और एक रीजन है कि तुम्हारा पति तुमसे 10 साल बड़ा, और ये मेड फॉर ईच अदर की थ्योरी ना रियल लाइफ में हमेशा कामयाब नहीं होती। मम्मी, जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं हूँ उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? I don't believe in arranged marriages. बेटा, हमारे खानदान में लव मैरिज नहीं होती। लड़का तेरे पापा ने पसंद किया है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, अच्छा कमाता है। छवि बेटा, लड़का शक्ल से नहीं नौकरी से जाना जाता है। अरे 10 साल बड़ा है तो क्या हुआ? अरे तेरे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रखेगा। और रही प्यार की बात, वो तो शादी के बाद हो ही जाता है। छवि, अरेंज मैरिज में मैं भी विश्वास नहीं करता था। रिश्ते कहीं से भी शुरू हो, शुरुआत हमेशा दोस्ती से होती है। माना कि शादी से पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर अब दोस्त बनके एक दूसरे को तो जान सकते हैं ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें पता भी नहीं चलेगा और ये धीरे धीरे लगने लगेगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। सर, लता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का फोन आया था। उनका कहना है कि लता का रेप ही नहीं, गैंग रेप हुआ था। सर, लता का फोन जहां पर बंद हुआ और जहां पर हमें उसकी लाश मिली, हमने उन दोनों एरियाज के सीसीटीवी स्कैन किए। सर, उन दोनों एरियाज में एक कॉमन वैन कैप्चर हुई है, इसमें उसकी फुटेज है। सर, ये वो एरिया है जहां पर लता का फोन बंद हुआ। अब ये देखिए सर, ये वो एरिया है जहां पर हमें लता की लाश मिली। तो सर, ये वैन पे जो नंबर है वो फेक है, मैंने पता किया था सर। इसका मतलब ये हुआ कि इसी वैन से लता को किडनैप किया गया और फिर उसका गैंग रेप और मर्डर करके इसी वैन से उसकी बॉडी को डंप किया। उस साहिल के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, एक्चुअली जब लता का फोन बंद हुआ उस समय साहिल जयपुर के रॉयल कैफे में ही था, और सर साहिल के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास नहीं मिला। लेकिन सर, साहिल ने बोला था कि लता को कोई स्टॉक कर रहा था। लेकिन ये बात लता ने अपनी माँ को नहीं बताई, सिर्फ उसको ही क्यों बताई? एक काम करो, लता के कॉलेज से लेकर उसके घर तक के एरिया के पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, और ये वैन जिस जिस डायरेक्शन में ट्रैवल हुई है उन सभी एरियाज की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है उन लोगों का चेहरा सामने आए जिन्होंने लता का गैंग रेप और उसका मर्डर किया। ओके सर। वारदात वाले दिन इस वैन ने जयपुर अलवर हाईवे का टोलनाका क्रॉस किया था, और वैन पे वही फेक नंबर। मतलब इन्हीं लोगों ने लता को पहले किडनैप किया और फिर उसका गैंग रेप करके उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को कहीं डंप कर दिया। पता करो, इन चारों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर होगा। ओके सर।
हेलो। हाँ रुचि, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, छवि का हस्बैंड। छवि का फोन बंद आ रहा है, उसको फोन दोगी? विक्रम जी, छवि तो नहीं है यहाँ। अच्छा, तो कहाँ गई वो? पता नहीं, सुबह मैं उठी तो वो नहीं थी रूम में। हाँ बोलो विक्रम, इतनी सुबह सुबह फोन किया? पापा, कल रात से मैं छवि का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। अभी मैंने हॉस्टल में फोन किया था, पता चला कि वो हॉस्टल में भी नहीं है। क्या, वो हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ गई होगी? पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी अहमदाबाद से निकल रहा हूँ, आने में 7-8 घंटे लग जाएंगे, तब तक आप कुछ पता कीजिए ना। सर, ये चारों हिस्ट्री शीटर्स हैं, छेड़छाड़, मोलेस्टेशन और लूट के केसेस में पहले भी अंदर जा चुके हैं। फरा, चूरू और धोसा में ये पहले भी कई बार लड़कियों को अपना शिकार बना चुके हैं। इसका मतलब ये पर्पसली लड़कियों को टारगेट करते हैं रेप के मकसद से। यस सर, ये है संदीप लोधिया, ये छोटू सैन, ये मुरली भोज और ये है राजू सिक्का। सर, जेल रिकॉर्ड में जो इनके एड्रेस है ये वहां पर भी नहीं मिले, काफी टाइम से ये सबके सफर आ रहे हैं। अपने खबरियों को काम पे लगाओ, ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये कहां छुपे हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तक इनका बाहर रहना सेफ नहीं है। इससे पहले किसी और लड़की को अपना शिकार बनाए हम इन्हें दबोचना होगा। ओके सर। लता के साथ हुई गैंगरेप और मर्डर की वारदात को अंजाम तक पहुंचाने वाले क्रिमिनल्स अभी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर थे, और लता के बाद अब छवि के गायब होने की सूचना सामने आई। सर, ये मेरी बहू छवि है। सर, ये यहाँ जयपुर में ही टीचिंग का कोर्स कर रही है, केएम गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि कल रात से छवि का फोन नहीं लग रहा है। आपका बेटा कहाँ है? सर, अहमदाबाद में आईटी ऑफिसर है। तो आप लोग अहमदाबाद रहते हैं और आपकी बहू यहाँ जयपुर के केएम हॉस्टल में? नहीं सर, हम जयपुर में ही रहते हैं, हमारा बेटा अहमदाबाद में रहता है। आप लोग जयपुर में ही रहते हैं? जी सर। और आपकी बहू हॉस्टल में? सर, दरअसल बात यह है कि हमारा घर उसकी कॉलेज से काफ़ी दूर पड़ता है, और हॉस्टल जो है कॉलेज से नज़दीक है, इसलिए वो हॉस्टल में रहती है। सर, मेरे बेटे ने आज सुबह हॉस्टल में फ़ोन किया, तब पता चला कि छवि कल रात से ही हॉस्टल से चली गई। कहाँ चली गई? सर, हॉस्टल वाले इस बारे में कुछ नहीं बता रहे, आप ही पता कीजिए ना प्लीज। सर, सुबह जब छवि के हस्बैंड का कॉल आया तो मैंने उसका रूम चेक किया, पर वो अपने रूम में नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रात को वो हॉस्टल के बाहर तो गई थी, पर वो वापस नहीं आई। वो रात भर वापस नहीं आई और आपको सुबह तक पता ही नहीं था? सर, ये वर्किंग वुमेन का हॉस्टल है, यहाँ पे लड़कियाँ अपनी जिम्मेदारी खुद लेती है, और हमने सब कुछ सिकली बॉन्ड कर रखा था। रात के 10 के बाद एंट्री और एग्जिट अलाउ नहीं है। सर, कल रात मैंने छवि मैडम को बाहर जाते हुए देखा, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और बहुत जल्दी में थी साहब, लेकिन बाद में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया साहब कि वो वापस आई या नहीं। सर, छवि अक्सर फोन पे बात करते करते रात में बाहर चली जाती थी। मैंने कई बार उसे समझाया कि इट्स नॉट सेफ, मगर वो सुनती ही नहीं थी। लेकिन छवि तुम्हारे साथ इसी रूम में रहती थी, तुम्हारी रूममेट थी, वो रात भर आई नहीं तो तुमने जानने की कोशिश नहीं की? एक्चुअली सर, कल रात को मैं जल्दी सो गई थी, शायद मेरे सोने के बाद वो रूम से बाहर गई है। सुबह उसके हस्बैंड का फोन आया था, लेकिन सर तब तक मुझे लगा कि वो यहीं कहीं है, बाद में मुझे पता चला कि वो रात से गायब है। ये है फुटेज। आप प्लीज ये फुटेज हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। छवि के गायब होने की पॉसिबिलिटी फैमिली एंगल से जुड़ी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि छवि लता जैसे अपराध की शिकार बनी हो। हमें दोनों ही एंगल्स को एक साथ इन्वेस्टिगेट करना होगा। मनीष, छवि और विक्रम की शादी को एक ही साल हुआ है, तुम छवि के पेरेंट्स को मिलो और उनसे ये जानने की कोशिश करो कि छवि का अपने सास ससुर और पति से कैसा रिलेशन था। सर। अमित, तुम छवि के हॉस्टल से आने जाने वाले हर रास्ते चौराहे पर सब कुछ अच्छे से पता करो। छवि की फोटो हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उन चारों क्रिमिनल्स का जल्द से जल्द पता लगाओ जिन्होंने लता के साथ गैंग रेप और उसका मर्डर किया था। सर, एक्सक्यूज मी सर, छवि का हस्बैंड विक्रम मिलने आए। सर, दरअसल छवि मेरे पेरेंट्स के साथ रहते हुए पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं थी, ये छवि की चॉइस थी कि वो हॉस्टल में जाकर रहे, मैंने तो उसे मना भी किया था। आपको छवि ने कभी कुछ बताया था जिसका कनेक्शन उसके गायब होने से हो सकता? नहीं सर, मेरी रोजाना उससे कई बार बातें होती थी, इनफैक्ट कल रात को भी बात हुई थी। हेलो हेलो, हाँ इस वीकेंड पे आ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, लेकिन इस बार सैटरडे को नहीं, संडे को आ रहा हूँ, और मंडे मॉर्निंग अहमदाबाद वापस आ जाऊंगा। कल फ्राइडे था,
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार वो खुद आपके पास अहमदाबाद आ रही थी? सर वो आती तो इन्फॉर्म जरूर करती, और वैसे भी मैं खुद संडे को आने वाला था उसके पास। मुझे बिना बताए वो कुछ नहीं करती सर, मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। प्लीज फाइंड हर। छोटू, संदीप, मुरली और राजू लता गैंगरेप और मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट्स थे, लेकिन क्या छवि भी ऐसे ही अपराध का शिकार हुई होगी? एक तरफ जहां पुलिस लता के अपराधियों को ढूंढ रही थी, वहीं अब छवि के गायब होने की बाहरी वजहों के साथ साथ पारिवारिक और अंदरूनी वजहों का भी पता लगाया जाने लगा। विक्रम जी, मुझे तो लगा था शादी के बाद मुझे अपने सपनों से, ख्वाहिशों से समझौता कर लेना पड़ेगा, पर आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज पहली बार तुमने मुझसे आई लव यू कहा, वो भी इतना कैजुअली, इतना स्पेशल मोमेंट, ऐसे? ओके, आई विल ट्राई। विक्रम जी, I really love you. क्या हुआ विक्रम, कुछ पता चला दवाई का? यार संजीव, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे जाना चाहिए था इस वीकेंड पे उसके पास। सर विक्रम और उसके पेरेंट्स के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मैंने विक्रम के कॉल रिकॉर्ड को अच्छे से स्टडी किया, लेकिन उसके अफेयर का कोई भी एंगल नजर नहीं आया। उसके पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन ऐसा कुछ खास पता नहीं चला जैसे उसकी फैमिली पर शक किया जाए। लेकिन सर मैं छवि की रूममेट रुचि से मिला तो उसने बोला। सर छवि ने मुझे बताया था कि पहले वो विक्रम से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसे रियलाइज हुआ कि भले ही विक्रम जी देखने में कम सुंदर और उससे उम्र में 10 साल बड़े हो, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करते हैं। सर मैंने अहमदाबाद में विक्रम के कलीग से भी पूछताछ की, उनका कहना है कि विक्रम काफी लॉयल और ऑनेस्ट ऑफिसर है। विक्रम अक्सर अपनी पत्नी की बातें मुझसे किया करता था, छवि को काफी चाहता था विक्रम सर। वो तो इस गिल्ट में है कि वीकेंड को छवि से मिलने जा नहीं पाया। एक्चुअली विक्रम खूबचंद गुटका कंपनी के ओनर के यहाँ रेड मारने की प्लानिंग कर रहा था। खूबचंद गुटका के मालिक के यहाँ रेड मारने वाला था विक्रम? यस सर, और इससे पहले भी वो कई नामी हस्तियों के यहाँ इनकम टैक्स के रेड मार चुका है। सर उसके स्टाफ के लोगों ने शक जताया है कि कोई विक्रम से बदला लेने के लिए उसकी बीवी को भी टारगेट बना सकता है। इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करके देखो। सर जिन चारों क्रिमिनल्स ने लता के साथ गैंगरेप और मर्डर किया था वो अजमेर में छिपे बैठे हैं। बोलो। हम लोग उस लड़की को राजू सिक्के के कहने पे लाए थे। हम लोग सब छोटी मोटी चोरियां करते, लेकिन राजू सिक्का एक नंबर का चमड़ी खोर है। उसने उस लड़की को देखा तो सर उसको भाग गई। राजू ने बोला लड़की को उठा के सब मिल बांट के खाएंगे, उठा के ले गए और उसके साथ सब लोगों ने रेप किया। इस लड़की को कहां छुपा के रखा? साहब हम नहीं जानते इस लड़की को। जिस एरिया से तुमने इस लड़की को उठाया था और उसके बाद उसका गैंग रेप और मर्डर किया था, उसी एरिया से ये लड़की भी गायब है। ये लड़की को हमने किडनैप नहीं किया साहब, अगर राजू और संदीप ने कुछ किया होगा तो कहां मिलेंगे वो दोनों? हमें नहीं पता साहब। याद दिलवाओ इन्हें, हो सकता है उन दोनों के बारे में ही नहीं छवि के बारे में कुछ जानते हो।
रूरल जयपुर की दिगवा पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 15 दिन पहले छवि और उसकी दोस्त रुचि ने वहां पर एक FIR लॉन्च की थी। सर एक्चुअली 15 जुलाई की रात उस एरिया में उन पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हमलावर कौन थे इसका पता नहीं चल पाया सर। सर हो सकता है कि जिन 2 लोगों ने पहले हमला करने की कोशिश की इस बार उन्हीं लोगों ने छवि को गायब किया हो। लेकिन अगर छवि ने ऐसी FIR लॉन्च की थी तो उसके फैमिली वालों ने हमें इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? सर मैंने छवि के मायके और ससुराल दोनों जगह पता किया, उन्होंने बोला कि छवि ने इसके बारे में उन्हें कुछ बताया ही नहीं। तुमने बताया छवि ने FIR रुचि के साथ लॉन्च की थी, पर रुचि ने भी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर यहाँ इतना कुछ हो गया, छवि गायब हो गई, तो इन सब में ध्यान नहीं रहा सर। वैसे उस रात हुआ क्या था? सर उस रात हम दोनों दिगवा के एक ढाबे में खाना खाने जा रहे थे। अमित सर मुझे ऐसा लग रहा है कि रुचि झूठ बोल रही है। रुचि के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी एक्टिविटीज का पता लगा और किसी भी तरह राजू और संदीप का पता लगा। हो सकता है जिन 2 लोगों ने इन लड़कियों पे 15 दिन पहले अटैक करने की कोशिश की थी वो राजू और संदीप भी हो। सर जिस रात छवि गायब हुई थी उस रात घंटा घर के एक CCTV में छवि एक लड़के के साथ कैप्चर हुई थी। सर लड़के का चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये कंफर्म है कि लड़की छवि है। थोड़ा रिवाइंड करो, बस यहाँ से चलो। छवि जिस तरीके से इस लड़के से बात करती हुई जा रही है उसे देखकर ऐसा लगता है उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है। सर छवि का फोन श्याम नगर मार्केट में बंद हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि छवि अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ कहीं पर गई हो? तुम ये कहना चाहते हो कि इसका कोई अफेयर था? सर हो भी सकता है, क्योंकि रुचि ही नहीं छवि की दूसरी फ्रेंड्स ने कन्फर्म किया है कि छवि पहले विक्रम से शादी नहीं करना चाहती थी। ये शादी उसने अपने फैमिली के प्रेशर में आकर की थी। छवि के मुकाबले विक्रम काफी साधारण दिखता है और उससे 10 साल बड़ा भी है। हो सकता है छवि का शादी से पहले से इस लड़के से कोई अफेयर हो। उसने शादी के बाद 1 साल तक वेट किया और अब अपनी मर्जी से इसके साथ भाग गई। लेकिन सर छवि के करेंट कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसे किसी भी लड़के का कोई क्लू नहीं है। छवि के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो, अगर ये लड़का छवि की जिंदगी में था तो हो सकता है छवि को शादी से पहले से ही जानता हो, या ये भी हो सकता है कि छवि के हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ हो। छवि के इस अफेयर वाले एंगल को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सर मुझे नहीं पता कि ये लड़का कौन होगा, लेकिन छवि इसके साथ? यही बात तो हम आपसे समझना चाहते हैं। विक्रम जी एक बात बताइए, छवि आपसे शादी करके वाकई में खुश थी? हाँ सर, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ खुश नहीं थी, लेकिन ये किसके हमें लगता है कि छवि इस लड़के के साथ अपनी मर्जी से कहीं चली गई। आप पहचानते हैं इस लड़के को? इसमें तो इस लड़के का चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, छवि का शादी से पहले किसी लड़के के साथ कोई अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, शादी करके छवि विक्रम के साथ खुश थी? सर मैंने रुचि के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, रिकॉर्ड से सामने आया है कि रुचि की किसी बेबम नाम के लड़के से काफी बातें होती थी और पता चला है कि इन दोनों का अफेयर भी था। और सर जिस एरिया में 2 अज्ञात हमलावरों ने छवि और रुचि पर हमला करने की कोशिश की थी उस एरिया में उस वक्त बेबम का फोन भी एक्टिव था। और सर छवि की भी बेबम से अक्सर फोन पर बातें होती थी। ये बेबम रहता कहाँ है? सर जयपुर का ही है। लेकिन इस वैभव का छवि के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वैभव का हॉस्टल के बाहर आना जाना था और छवि के कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि रुचि को शक था कि वैभव का छवि से भी अफेयर चल रहा है। अगर रुचि को ऐसा शक था तो क्या वो लड़का वैभव होगा जो CCTV फुटेज में छवि के साथ देखा गया? सर कहानी कुछ और ही लगती है, क्योंकि वैभव अब भी जयपुर में है और छवि के गायब होने के बाद से वो लगातार रुचि के टच में है। वैभव और रुचि दोनों को उठा के लाओ, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ओके सर। जब टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है ना तो इसी तरह की कहानियां सभी गढ़ते हैं। आधे अधूरे पेपर दिखा रहे हैं आप, रेड पड़ेगी। 2006 से 2009 तक के सारे डिटेल्स चाहिए, जमा करा दीजिएगा आप, समझे?
विक्रम क्या हुआ? सॉरी विक्रम जी, मैं आपको कभी बता नहीं पाई, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती और अब मैं किसी और के साथ खुश हूँ। आपका दिल दुखाने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। छवि, विक्रम हो सकता है ये मैसेज छवि ने नहीं भेजा, छवि के नंबर से किसी और ने भेजा, कि किसी की चाल है विक्रम। यार संजीव, वो जयपुर घंटा घर के पास किसी लड़के के साथ भी देखी गई, वो फिर क्या था? हा? वो भी किसी की चाल थी क्या? अरे शादी नहीं करनी थी तो ये सब। सर मैं मानती हूँ कि मुझे शक था वैभव पे कि उसका और छवि का चक्कर चल रहा है। सर अगर आपको छवि के बारे में कुछ पूछना है तो वैभव से पूछिए ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वैभव को पता है कि छवि कहाँ है? ऑफ कोर्स पता होगा सर, उसी के लिए तो उस रात वो मुझे मारना चाहता था। क्या वैभव तुम्हें मारना चाहता था? हाँ सर, 15 दिन पहले जो हमला हुआ था ना वो छवि पर नहीं मुझ पर हुआ था सर, और वो दोनों आदमी वैभव के भेजे हुए थे सर। उस रात हमारे पीछे वैभव भी आया था। ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? I'm sure सर, उस रात वो मुझे खत्म करना चाहता था। सर हो ना हो, छवि के गायब होने के पीछे इस वैभव का ही हाथ है। सर रुचि का दिमाग खराब है, उसकी इन्हीं आदतों की वजह से मैं उसे अवॉइड करने लगा और छवि में इंटरेस्ट लेने लगे। नहीं सर छवि तो शादीशुदा है, लेकिन सर रुचि को शक करने की बीमारी है। उस रात को वो खुद ही छवि को ढाबे पर लेकर जा रही थी, तभी मुझे शक हो गया था कि रुचि छवि को अपनी जेलेसी की वजह से हाँ पहुंचा सकती है, इसीलिए मैं उसके पीछे गया था। और सर मेरा शक सही निकला, रुचि ने ही उन दोनों आदमियों से छवि को मरवाने की कोशिश की थी। कोशिश मुझे मारने की हुई थी सर, वैभव झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रही है सर, अपनी जेलेसी में वो कुछ भी कर सकती है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये बात तुम दोनों अच्छे से जानते हो, जब से छवि गायब हुई है तुम दोनों लगातार टच में हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे पे आरोप लगा के कोई गेम खेल रहे हो? छवि के गायब होने के बाद मैं इसे इसलिए मिलता रहा क्योंकि मुझे इस पे शक था कि इसी ने छवि को गायब किया है। नहीं सर मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर तुम्हें वैभव पे शक था तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर क्योंकि आज भी मैं इससे प्यार करती हूँ, अगर इस पे शक जाता तो आप लोगों की नजर में आता ही है। लेकिन सर आज इसने साबित कर दिया कि इसका मुझ पे नहीं सिर्फ और सिर्फ छवि पे इंटरेस्ट है। नहीं सर मेरा छवि में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जिस रात छवि गायब हुई थी उसके साथ क्या कर रहा था तू? नहीं सर ये मैं नहीं हूं, कोई और है। एक्सक्यूज मी सर, कुछ जरूरी बात। सर थोड़ी देर पहले छवि के नंबर से विक्रम और छवि के पेरेंट्स को मैसेज भेजा गया है। ये मैसेज ये साफ कर रहा है कि छवि अपनी मर्जी से किसी के साथ भागी, लेकिन जब ये मैसेज भेजा गया है वैभव हमारे साथ था, इसका मतलब है छवि किसी और के साथ भागी है या कहानी कुछ और है? सर कहानी तो कुछ और ही लग रही है, क्योंकि छवि की शादी के पहले से लेकर अब तक के कॉल रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि उसका कहीं पर अफेयर चल रहा हो। इसका मतलब है पहले ये पता लगाना होगा कि ये मैसेज छवि ने भेजा है या किसी और ने। लेकिन सर ये मैसेज मोबाइल नंबर से नहीं इंटरनेट से भेजा गया है, और छवि के पति का कहना है कि अभी भी उसे लग रहा है छवि उसे धोखा नहीं दे सकती। अमित साइबर सेल की मदद लो, उन्हें कहो ये पता लगाएं कि ये मैसेज कहाँ से भेजा गया है। सर इस रुचि और वैभव का क्या करा? फिलहाल जाने दो लेकिन नजर रखना। ओके सर। मैसेज मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू रूट किया गया है और अहमदाबाद के किसी साइबर कैफे से मैसेज को लोकेट किया गया। मनीष
अहमदाबाद के जिस साइबर कैफे से ये मैसेज भेजा गया है, तुम वहाँ जाओ और चेक करो कि जिस वक्त ये मैसेज भेजा गया उस कैफे में कौन कौन मौजूद था। ओके सर। विक्रम के कलीग संजीव से काफी बातें होती रहती, लेकिन संजीव का छवि से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये पुरोहित और वो संजीव, इन दोनों को उठा के लाओ। ओके सर। सर मैंने क्या किया है सर? साफ साफ जवाब दे, छवि कहाँ है? छवि? सर क्या बोल रहे हैं सर, मुझे क्या पता होगा छवि कहाँ है सर? नहीं जानता तो पुरोहित से विक्रम और छवि के पेरेंट्स को मैसेज क्यों करवाया? क्या बोल रहे हैं सर? नहीं सर, मैंने किसी के कहने पे कोई मैसेज नहीं किया सर। आपको कोई गलत फहमी हो रही सर? मैं तो इस पुरोहित को ठीक से जानता तक नहीं सर। पिछले दिनों वो क्लर्क की जॉब के लिए IT ऑफिस में मुझसे कॉन्टेक्ट किया था सर। सर आई स्वेयर इससे ज़्यादा मैं पुरोहित के बारे में कुछ नहीं जानता सर। मैं नहीं जानता सर छवि कहाँ है। आपको ज़रूर मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई है सर। संजीव और पुरोहित अपने बयान पे कायम थे और अब पुलिस दोनों से जुड़ी हर वो बात पता करने लगी जिसका संबंध छवि के गायब होने से हो सकता था। मनीष, इस आदमी की कदकाठी पुरोहित से बहुत मिलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी पुरोहित ही है? सर रोहित के बारे में एक बात पता चली है, उसने 25 दिन पहले अहमदाबाद के सिविल लाइन इलाके में एक बंगलो खरीदा था। What? जो आदमी इनकम टैक्स ऑफिस में क्लर्क की जॉब ढूंढ रहा था उसने बंगलो खरीदा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि छवि अब उसी बंगलो में हो? सर इस बंगले में कहीं भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं था। लेकिन मनीष मुझे पक्का ही लग रहा है कि उस दिन घंटाघर वाली फुटेज में छवि के साथ जो आदमी था वो पुरोहित ही था। और अगर ये बात सही है तो हमें पता ये लगाना है कि पुरोहित ने खुद छवि को कहीं गायब किया या उसने ये काम किसी और के कहने पे किया। पुरोहित का 25 दिनों में ये बंगला खरीदना भी बड़ा सस्पिशियस है। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? मनीष उसकी इनकम का सोर्स का पता लगा, क्योंकि उसके पैसों का सोर्स ही अब हमें छवि की कोई लीड दे सकता है। सर पुरोहित से जुड़ी बातें उसे संदिग्ध तो बना रही थी, लेकिन छवि अब कहाँ होगी ये अभी रहस्य बना हुआ था, जो इस केस में फिर से 180 डिग्री का घुमाव लाने वाला था। सर वो बंगलो पहले कनु मेहता के नाम पर था। मैं उस ब्रोकर से मिला जिसके थ्रू पुरोहित ने वो बंगलो कनु मेहता से खरीदा था। सर एक्चुअल में ये डील 1.5 करोड़ की हुई थी, लेकिन ऑन पेपर ये डील 97 लाख की है। मतलब 53 लाख कैश और 97 लाख का डिमांड रहा। यस सर। और ये 97 लाख रुपए पुरोहित के अकाउंट में ठक्कर स्टील्स के ओनर विजेंद्र ठक्कर ने ट्रांसफर किए थे। सर मैंने अपने सोर्सेज से पता किया कि विजेंद्र ठक्कर के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होने वाली थी, लेकिन रेड होने से पहले ही विजेंद्र ठक्कर ने विक्रम से सेटलमेंट कर लिया। ओह, तो इस बंगलो का असली मालिक पुरोहित नहीं छवि का पति विक्रम है। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, पुरोहित ने मुंह खोल दिया है, अब बोलेगा या आप? बोल।
सर, आईटी ऑफिसर बनने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर जोर दिया। मैं आईटी ऑफिसर बन तो गया, लेकिन किसी के प्यार, उसके साथ डेटिंग और टाइम स्पेंड करना, ऐसे मोमेंट्स में हमेशा मिस करता। मेरी उम्र हो गई थी, पेरेंट्स ने मेरी शादी मुझसे 10 साल छोटी लड़की से करवा दी, फिर भी मैं सोचता कि शादी हो गई है, फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीऊँगा जैसे मैंने सपने देखे थे। छवि सुंदर थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जैसे रिलेशनशिप के मैंने सपने देखे थे। और फिर मेरी ज़िंदगी में रेवती आई। रेवती की हर बात स्पेशल थी और जल्दी ही हमें प्यार हो गया। रेवती को मालूम था कि मैं शादीशुदा हूँ और वो चाहती थी कि मैं छवि से डाइवोर्स ले लूँ। मेरे पेरेंट्स ने इतना दहेज छवि से शादी में ले लिया था कि अगर मैं डाइवोर्स की बात करता तो उसके पेरेंट्स मुझ पर केस कर देते और मेरी जॉब भी छीन सकती थी। दूसरी तरफ रेवती भी मुझ पर शादी का प्रेशर दे रही थी, अगर मना कर देता तो वो भी मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले लेती। अपनी इमेज और जॉब को बचाने के लिए मुझे ये ऑप्शन नज़र आया और मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। अगर छवि के साथ मेरे घर में कुछ हो जाता तो शक की गुंजाइश मेरे ऊपर आ जाती, इसलिए मैंने छवि को टीचर ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट किया और उसे प्रिपेयर किया कि वो घर में रहने की बजाय हॉस्टल में रहे। तो तुझे ये लगा कि हॉस्टल में रहते हुए उसे गायब करेगा तो तू पकड़ा नहीं जाएगा? प्लान तो यही था सर, मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका ढूंढ ही रहा था कि तभी जयपुर में लता के गैंग रेप और उसके मर्डर की न्यूज़ सामने आई। तो तूने लता के साथ हुए क्राइम की आड़ में ये क्राइम करने की सोची? कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है रेवती, मैं इसी न्यूज़ का फायदा उठाकर छवि को अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगा। मुझे इस काम के लिए किसी की जरूरत थी और पुरोहित काफी दिनों से क्लर्क की जॉब पाने के लिए चक्कर काट रहा था। मैंने उसे क्लर्क की जॉब दिलवाने का वादा किया और उसके मार्फत 2 आदमियों को छवि के मारने की सुपारी भी दी, और लता के मर्डर के 15 दिन बाद उन 2 आदमियों ने छवि को मारने की कोशिश की। जब वो दोनों छवि को नहीं मार पाए तो वो काम मैंने अपने हाथों में ले लिया और छवि को गायब करने का प्लान बनाया। विजेंद्र ठक्कर के घूस का पैसा मैंने पुरोहित के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया और उससे उसने वो बंगलो खरीदा और उस बंगलो में छवि की कब्र खोदनी शुरू कर दी। बस छवि को अहमदाबाद बुलाना था। और उस रात मैंने छवि को अपने दूसरे नंबर से फोन किया। छवि, मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। क्या? छवि, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। मैं अभी वहां पहुंचती हूं। मेरा एक दोस्त घंटा घर के पास तुम्हें मिलेगा और सेफली तुम्हें अहमदाबाद ले आएगा। ठीक है विक्रम जी। सर, घंटा घर के पास वाले एरिया में छवि पुरोहित से मिली। मैंने पुरोहित को बोला था छवि का फोन जयपुर में ही बंद होना चाहिए और उसने छवि के मोबाइल की सिम निकाल के फेंक दी और उसको उस बंगलो में ले आया। आई विक्रम जी, आप यहां दारू पी रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं छवि, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें धोखा देना पड़ रहा है। और हमने उस ग्रेप की जमीन को ऐसे समतल कर दिया कि आपको पता भी नहीं चला और आप ढूंढ के भी कुछ नहीं ढूंढ पाए। छवि जैसी भोली भाली लड़की के साथ तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया? वो लड़की जिसने तुझसे 10 साल छोटे होते हुए भी तुझसे शादी की, तुझसे प्यार किया, तुझ पर भरोसा किया और तूने सिर्फ अपनी सनक को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की और उस बेचारी लड़की को मार दिया। लानत है तुझ जैसे आदमी पर। सपनों का आकाश हमेशा जमीनी हकीकत से अलग होता है और इंसानी मृग तृष्णा जब उस पे हावी होती है तो उसके विवेक पे ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि वो दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदता है एक ना एक दिन उसमें खुद भी गिर जाता है। विक्रम की प्रेमिका रेवती को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन लता के गैंग रेप और मर्डर के दो और आरोपी राजू और संदीप अभी तक फरार हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।